तो फ्रेंड आज हमको जाना है भाई, देखो कहीं पे अपने रिश्तेदार के वहाँ पे, बिकॉज़ जन्मदिन है किसी का। तो अभी फ़िलहाल मेरी स्कूटी, आप लोग को पता है ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है हमारा, तो भैया अभी मेरी स्कूटी तो है नहीं हमारे पास, और हमको जाना है कोई साधन लेने के लिए ताकि हम मम्मी के साथ जा पाएँ गाँव में। तो अभी अपन जा रहे हैं पैदल पैदल, ठीक है, हम जाएंगे जाके स्कूटी लेके आएंगे अभी अपने ब्रदर से, मतलब मेरे कज़न से, जिसको कि ठीक होने के लिए दी है हमने अपनी स्कूटी। तो अभी भैया पैदल सफ़र है हमारा काफ़ी लंबा, सोचा थोड़ा तुमको दिखाते हैं भैया कहाँ से जा रहे हैं हम। तो ये है मेरे यहाँ पे गाइस इंदिरा कॉलोनी, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉलोनी। फ़िलहाल आज संडे है और समय हो रहा है 1 बजे के आसपास। फ़िलहाल मुझे कुछ खास भीड़ दिख नहीं रही है, नॉर्मली यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली। हाँ भैया सफ़र बहुत लंबा है हमारा, शायद से ऑटो के अंदर जाएंगे, देखते हैं, मन नहीं है फ़िलहाल अगर सही बताऊँ तो मेरा ऑटो के अंदर जाने का, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और आज हम भी मजबूरी में है भाई। वॉकिंग वॉकिंग नहीं तो मुझे भी पैदल चलना सही बताऊँ तो कुछ इतना खास पसंद नहीं है, बट करना पड़ता है। फाइनली मेरे इंदिरा कॉलोनी में हम पहुँच चुके हैं गाइस। यहाँ पे एग्जैक्टली जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे ना एक छोले कुलचे वाला खड़ा होता है भाई, हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर पॉपुलर भाई। इतनी भीड़ रहती है ना, कसम से बताता हूँ बंदे की यार, मतलब देखते देखते ही ख़त्म हो जाते हैं, इतने दूर दूर से लोग इन्हें आते हैं भाई। बहुत मस्त, एकदम मस्त वाले छोले कुलचे बनाता है वो, क्योंकि भैया उसका बिज़नेस चलने का जो मेन रीज़न है वो है भैया यहाँ पे, ये तुमको हस्पताल दिख रहा है सामने, हॉस्पिटल। तो भैया यहाँ पे लोग आते हैं बहुत ज़्यादा अपना हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, और पास में कुछ पड़ता नहीं है खाने के लिए अच्छा लोगों को, तो लोग प्रेफर करते हैं भाई यहाँ पे। और ये गाइस सामने तुमको मेन रोड दिख रहा होगा, अभी हमको एग्जैक्टली वहीं पे जाना है क्योंकि वहाँ से मिलेगा हमको ऑटो। हाय, और सांस फूल गई भाई कसम से मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भैया हमको आदत है नहीं देखो पैदल चलने की, तो आज बहुत ही समय के बाद पैदल चलने का मौका मिला है हमको। जा रहे हैं, देखो भैया कहाँ पहुँचते हैं हम। वैसे मैं ये ऑटो ले सकता था यार, बातें करने के चक्कर में मैंने ऑटो मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, शायद से हमको सामने हाईवे से कोई ना कोई ऑटो ज़रूर मिल जाएगा। एंड अभी भाई स्कूटी तो देखो मेरी वाली तो शायद कल मिलेगी, अभी लेके आनी है भाई की स्कूटी ना, तो भाई अभी पहुंचना है मेरे को जल्दी से, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है मुझे जाना कहाँ है। अभी मम्मा को कॉल करना पड़ेगा पूछने के लिए भैया जगह कौन सी है। एंड भैया मैं सही में थोड़ा सा थक गया, और मम्मी से पढ़ने वाली है मुझे गालियाँ, बिकॉज मैंने कर दिया है लेट बहुत ज़्यादा वाला। हमको जल्दी पहुँचना था एक्चुअली आज थोड़ा 11 बजे के आसपास, और टाइम जैसे मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ 1 बज चुके हैं, और जट भाई हो चुके हैं एक्सट्रीम लेवल वाले लेट, और मम्मी से पढ़ने वाली बहुत ज़्यादा गालियाँ। अभी चलो सामने ऑटो का वेट करना भाई हमको, यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे हम और निकलेंगे सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन बोले तो हमारा मुकाम जहाँ पे हमको जाना है। तो भैया ऑटो तो मिल रहे हैं यहाँ पे, चलो मैं देखता हूँ कौन सा ऑटो जाएगा गाइस, ठीक है मिलते हैं, चलो लेट्स गो। यार ना ऑटो में जाने के भी बहुत सारे नुकसान हैं, अभी भैया मुझे यहाँ पे ऑटो ही नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा वाला मिलेगा। मैंने 2 ऑटो से ऑलरेडी पूछ लिया भैया कहाँ जाओगे, कोई जा ही नहीं रहा भैया, पता नहीं हमको सवारी मिलेगी कि नहीं जाने के लिए। तो भैया ये पीछे एक और ऑटो आ रहा है, इससे भी पूछना पड़ेगा, रुक जाओ भाई जाना है यार। यार ऑटो तो अपने को कोई मिल नहीं रहा है यार, मैंने काफ़ी ट्राई किया ऑटो रोकने का बट कोई ऑटो रुक ही नहीं रहा है। आई डोंट नो, मुझे जहाँ जाना है वहाँ किसी ऑटो वाले को जाना ही नहीं है, तो मुझे लगता है आज यार अपने को थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। और मेरा मन कर रहा है सही बता रहा हूँ पैदल चलने का, बहुत टाइम से मैं पैदल नहीं चला हूँ, तो आज मूड है भैया थोड़ा पैदल पैदल चलते हैं गाइस, है ना, थोड़ा सैर करते हैं, तुमको भी दिखाते हैं भाई। चलो अभी हम जाएंगे भैया स्टेशन के अंदर से, स्टेशन के अंदर से हमको पड़ता है शॉर्टकट, तो लेट्स गो टू द स्टेशन एंड दिखाता हूँ भैया शॉर्टकट। पहले पहले मैं बहुत जाता था इस जगह से ना, अभी वहाँ से स्कूटी मोटरसाइकिल जाना मना हो गया है, पहले स्कूटी मोटरसाइकिल जाते थे वहाँ से, तो भाई मैं कसम से बहुत ज़्यादा जाता था वहाँ पे। शॉर्टकट है कतई एकदम नेक्स्ट लेवल वाला, तो चलो यार चलना पड़ेगा भाई, क्या करें मजबूरी है भाई। तो फ्रेंड्स आपको सामने वो बोर्ड दिख रहा होगा, सामने देखो यहाँ पे दिख रहा है रेलवे स्टेशन, मुझे एग्जैक्टली वहीं जाना है, बट अभी मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा और मुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता है, बहुत ध्यान से करना चाहिए भाई लेफ्ट राइट देख के। तो रोड क्रॉस करते हैं पहले, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है भैया यहाँ पे, अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रुक जाइए। तो चलिए निकलते हैं भाई, अभी यहाँ से कोई नहीं आ रहा है और इस साइड भी पूरा खाली है। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी,
तो ये सामने देखो भैया तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा पठानकोट का रेलवे स्टेशन। यहाँ से भैया मतलब बाय द वे तुमको नहीं पता होगा शायद से, तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली हिमाचल की जो ट्रेन होती है ना, टॉय ट्रेन बोलते हैं इनको, छोटी छोटी ट्रेन होती है हिमाचल में जाती हैं, तो वो भी पठानकोट से ही स्टार्ट होती हैं। ये रेलवे स्टेशन जो हमारा है ये नॉर्मल ट्रेन का है, मैट इसके आगे एक और रेलवे स्टेशन है तो वो वहाँ पर हमारी जाएंगी हिमाचल की ट्रेनें। तो बट वो वाला स्टेशन से तो मैं नहीं जाऊँगा एग्जैक्टली बताऊँ तो, बट मुझे जाना उसी साइड से है, तुमको थोड़ा दिखाऊंगा भाई टॉय ट्रेन्स कैसी होती हैं, क्योंकि तुमने भी कभी देखी नहीं होगी मोस्ट ऑफ द लोग ने, क्योंकि हिमाचल भैया दूर है। तो चलो भैया वो भी दिखाएंगे, एंड यहीं से मुझे जाना है। मैं चाहूँ तो अभी स्टेशन के अंदर से भी जा सकता हूँ, बिकॉज वहाँ से भी रास्ता पड़ेगा मुझे, अगर मेरे को वहाँ नहीं जाना है। अपन यहाँ से भी लेंगे एक लेफ्ट टर्न लेंगे, शॉर्टकट से जाएंगे एकदम बढ़िया। सामने देखो नो पार्किंग का बोर्ड लगा, भैया ये क्या कर रहे हैं अंकल जी यहाँ पे? भैया जी अंकल जी लाइट से पंगे मत लो, शॉक लग जाएगा। तो भाई वैसे आज धूप मस्त निकली है ना एकदम, देखो बादल के मस्त लग रहे हैं एकदम ना गाइस, मज़े आ रहे हैं। वो देखो सामने एक और ऑटो वाइट वाइट धुआं मारते हो भाई एकदम, कतर मच्छर मारने वाली दवाई डाली लगता है इस ऑटो के अंदर किसी ने। चलो भाई अभी ये स्टेशन आ गया गाइस, अभी मेरे को कहाँ से जाना है। तुम लोग को मेरा सफ़र कैसा लग रहा है बाय द वे? ये भाई सफ़र नहीं है, ये भाई सफ़र है, सफ़र सफ़र समझते हो तुम? दो तरह के सफ़र होते हैं गाइस, एक होता है ट्रैवल वाला सफ़र और एक होता है भाई जिसमें बंदा सफ़र करता है। तो आज मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, और गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि भैया स्कूटी टूट गई है, क्या करें बताओ, मजबूरी भाई, कोई है नहीं ऑप्शन हमारे पास ना। तो अभी मुझे जाना है यहाँ पे, ये एक्चुअली तुमको यहाँ पे जो दिख रहा है सारे अभी हमारे रेलवे स्टेशन वालों के ही क्वार्टर्स वगैरह हैं। ये देखो मस्त एकदम बढ़िया है हाथी जी, तो ये सारे रेलवे के ही हैं, यहाँ पे सारा रेलवे का ही क्वार्टर्स वगैरह हैं। तो मुझे यहीं से जाना है, इनके बीच में शॉर्टकट मारेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ये जो हम तुम देख रहे हो ये है हमारा डाकघर, हाँ जहाँ पे लेटर वगैरह आते हैं, ये लेफ्ट साइड पे ये रहा, ये तो ये है डाकघर। और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना घर, ये लेफ्ट में राइट में जितने भी घर हैं ये सारे, ये देखो ये वाले, ये सारे घर, ये सारे रेलवेज़ के क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे रेलवे स्टाफ लोग रहते हैं, यहाँ पे रेलवे वाले जो रेलवे में काम करते हैं, टीटी होंगे कुछ भी करते होंगे, तो ये उन लोगों के घर हैं। और कुत्ता देख रहे हो गाइस, भाई ख़तरनाक कुत्ता रखा है, अरे डर लग रहा है भाई मेरे को कुत्ते वैसे प्यारे बहुत होते हैं, मगर भाई जब ज़बरदस्त काटते हैं ना, क्या बताऊँ भाई, बंदे की अलग जाते हैं क्योंकि भाई कुत्तों के दांत बड़े ज़बरदस्त होते हैं यार। चलो एक काम करते, बस स्टेशन के अंदर चलते, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे हम, ठीक है, ये रास्ता दिख रहा है तुमको, तो यहाँ से हम जाएंगे। और ये भैया हम स्टेशन के अंदर आ गए हम फाइनली। हाँ वैसे तुमको पता है बिना टिकट के स्टेशन के अंदर आना अलाउड नहीं होता है, तुम बिना प्लेटफॉर्म टिकट के अगर स्टेशन के अंदर आओगे ना अगर किसी टीटी ने पकड़ लिया भाई तुमको, तो तुम्हारा चालान हो जाएगा। वैसे ये रिस्की काम है और मैं लॉ तोड़ रहा हूँ आज, आज जड़ भाई कतई क्रिमिनल हो चुके हैं। और वो सामने जो दिख रहा है ना गाइस तुमको, वो ट्रेन दिख रही है सामने, वो टॉय ट्रेन है, वो हिमाचल वाली ट्रेन है। यहाँ से हिमाचल की ट्रेनें चलती हैं, जो मैंने आपको बताया हमारे पठानकोट से ही निकलती हैं फर्स्ट ट्रेन, तो वहाँ पे चलती है वो, देखो। हाँ अभी मेरे को यहाँ से जाना है भाई, सामने पटरियाँ दिख रही है तुमको, वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम। बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा आज मुझे। और ये देखो पुल, अलग ही दुनिया है भाई सबकी, क्या करें भैया, कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ लोग बहुत गरीब मेरे जैसे, है ना, क्या कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते चलते हैं, वैसे ज़िंदगी के भी क्या ही रंग होते हैं ना यार, है ना, घर से बाहर निकलो तो ज़िंदगी के 50 रंग दिख जाते हैं ना गाइस, क्या कहते हो, कोई अमीर कोई गरीब और कोई भाई मजबूरी का मारा, है ना, हमारे जैसा ना अमीर ना गरीब ना। मैं देखूँ, मैं खुद को अमीर मानता हूँ ना मैं खुद को गरीब मानता हूँ, बट हाँ भाई थोड़ी सी स्ट्रगल तो ज़रूर चल रही ज़िंदगी के अंदर। बाय द वे गाइस मुझे एक चीज़ बताना, कैमरा क्वालिटी कैसी लग रही है भाई? मुझे वीडियो की क्वालिटी सही बताऊँ ना, एक नंबर लग रही है, एक नंबर, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी भाई ये मेरा फ़ोन इतना अच्छा वीडियो कैप्चर करता है, बट यार सही है यार, मतलब अच्छी अगर सनलाइट इसको दे दो, अच्छी लाइट हो तो मस्त एकदम बढ़िया वाली यहाँ पे वीडियो बन जाती है। तो ये देखिए ये पूरा स्टेशन है, आज आई डोंट नो बंद क्यों है, आई थिंक लॉकडाउन लगने वाला है शायद से, लोग कह रहे हैं कि जम्मू की तरफ ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है, मुझे कन्फर्म नहीं है, शायद से जम्मू में लग चुका है, बट आई डोंट नो। एंड ये गाइस सामने तुमको ये दिख रहा है, ये चौक टाइप समथिंग है। तो यहाँ के साथ एक कहानी जुड़ी है मेरी ज़िंदगी की, तो अगर वो कहानी तुमको बताऊँ तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैं एक बार यहाँ से, स्कूल का टाइम था तो मेरे को एग्ज़ाम देने जाना था किसी स्कूल के अंदर, ठीक है, वो स्कूल था यहाँ पे आगे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने शॉर्टकट मारने के लिए अपनी स्कूटी निकाली भाई यहाँ से, सुबह मैं एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से निकाल ली मैंने, हैं
यहाँ पुलिस वाले अंकल खड़े थे, एक भैया सामने हाथ मारा मेरे आगे, कहते भैया रुक जाओ। मैं, हाँ जी अंकल जी क्या हो गया बताइए। कहते भाई यहाँ से आना आपको पता नहीं अलाउड नहीं है। मैं, अंकल मुझे तो पता नहीं था। कहता उस सामने बोर्ड लगा ना, बोर्ड पढ़ो। तो बोर्ड पे सच में लिखा है भाई कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूँ भाई। तो मैं गया, बट अंकल अच्छे थे। मैंने उनको समझाया मेरा एग्ज़ाम है, मैं लेट हो रहा हूँ, तो उन्होंने छोड़ दिया। अरे बलून्स कितने प्यारे हैं यार, है ना? क्या यार, काश मेरी जेब में रोकड़ा होता भाई ख़रीद लेता वहाँ सारे के सारे ही। लेकिन क्या करें भैया, है नहीं, है ना? बहुत सी चीज़ें होती जो हम चाहते हैं मगर होती नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है रे, मेरे पास अभी इतना है बजट की, ठीक है मैं ऑटो में जा सकता हूँ, बट क्या करें भैया, मुझे मज़ा आ रहा है एक्चुअली पैदल चलने में भी। और बहुत टाइम से यार मैंने तुम लोगों से बातें भी नहीं करी ना गाइस। रुक जाओ, फेस कैम करें। और मेन बात तो ये है गाइस, बहुत समय से हम लोगों की बातें भी तो नहीं हुई हैं यार। बहुत टाइम से हम लोगों ने आपस में बातचीत नहीं करी है। मुझे फील होता है कि हम लोगों में गैप क्रिएट हो गया ना, हम लोग दूर हो गए हैं एक दूसरे से, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली यार। मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे कतई क्लोज रहो। तो कोशिश हमारी आज एक हमारे बीच का गैप थोड़ा मिटाने के लिए है, थोड़ा सा क्लोज आएंगे आज हम। सो मेरा सफ़र, आप लोग भी सफ़र करो मेरे साथ, मैं अकेला क्यों सफ़र करूँ ना भाई। तुम लोग पब्लिक हो यार मेरी, मैं अकेला सफ़र करूँगा क्या? तो भैया जी चलो अभी तुमको रास्ता फिर से दिखाएंगे। सामने देख रहे हो तुम, सामने वो ट्रेन खड़ी है ना, वो हिमाचल वाली ट्रेन है, छोटी ट्रेन होती है एक्चुअली, टॉय ट्रेन। और ये यहाँ से इनकी पटरियाँ जाती हैं हिमाचल की तरफ। यहाँ से सीधा जाओगे ना अभी आप, तो सीधा हिमाचल में जाएंगी। बाय द वे बहुत स्लो चलती है यार ये ट्रेन, ऐसी है कि अगर आपका यहाँ पे फाटक बंद भी होगा ना। हेलो डॉगी, कैसे हो? चाय पी लो भाई, डॉगी का फ्रेंड आ रहा पीछे से। ओए मेरा दोस्त भाग गया, ओए 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 कहाँ गया, ओए शेरू, ओए शेरू, शेरू तेरा फ्रेंड भाग गया भाई, काटियो मत बे। चलो भाई चलो 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 चलो। हाँ तो भाई ऑलमोस्ट हम लोग, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/3 हमारा रास्ता कंप्लीट हो गया है। 1/3 तो नहीं हुआ है, बट हाफ से ज़्यादा से थोड़ा सा कम, आई थिंक हाफ नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमको अच्छा खासा डिस्टेंस जाना है। एंड अभी दोबारा से मेन रोड आने वाला है, तो मेन रोड पे तो व्लॉग करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है यार। तो रिस्क नहीं लेंगे हम, हमने शॉर्टकट मारा था यहाँ पे, अच्छा खासा टाइम मिला भैया हमको व्लॉग करने का, तो हमने व्लॉग कर दिया थोड़ा सा। अभी यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ ट्रैफिक होगी बहुत ज़्यादा। मुझे कंफर्टेबल का कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्लॉग कर लेता हूँ कहीं पे भी, मगर आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगेगा ना, और अच्छी बात भी नहीं है। सो अभी हम पहुँचते हैं, देखते हैं भाई स्कूटी मिलेगी कि नहीं, उसके बाद जाना भी अभी हमको, मम्मा गुस्सा करेगी बहुत ज़्यादा। चलो फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ का ना एक सिनेमा हॉल है, ये अभी बंद हो चुका है, अभी यहाँ पर फिल्म नहीं लगती हैं। बट आई थिंक जब तक मैंने सुना है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ पर शायद से बी ग्रेड मूवियाँ लगती थी। और बाय द वे आप लोग जानते हो कि बी ग्रेड मूवीज़ क्या होती हैं, नहीं पता तो भाई सर्च करो गूगल पे व्हाट इज़ बी ग्रेड मूवीज़, और यहाँ लगती थी। बट फिलहाल आई थिंक ये बंद हो चुका है, रीज़न नहीं पता मुझे क्यों बंद हुआ, बट हाँ ये बंद हो गया है। एंड ये सामने यहाँ पे लेफ्ट पे तुमको एक शॉप दिख रही है मैकेनिक की, तो भाई मैं ऑलमोस्ट अपनी स्कूटी जब भी सर्विस करवाता हूँ ना, तो ये शॉप है सामने भैया की, ये वाली, तो यहीं से हम लोग हमेशा करवाते हैं। बट देखो जब भी ज़्यादा मेरे को लगता है ना महंगा काम जाने वाला है, ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो भाई हमारे भाई हैं यार, मदद करते हैं हर बार हमारी। लास्ट टाइम हमने पूरी स्कूटी का इंजन का काम करवाया था, तो भाई सामने आए, भाई ने भैया मैं बचा लिया, नहीं तो अच्छा खासा खर्चा पड़ता हमको। बताऊंगा नहीं कितना लगा कितना नहीं लगा, बट जो भी है यार, अपने तो अपने होते हैं भाई, है ना, तो अपने ही काम आते हैं। तो ठीक है यार, अभी आंटी जी ऐसे घूर के क्यों देख रही है? आंटी ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, आप ब्लॉक में आ जाओगे आंटी, ऐसे मत देखो मेरे को घूर घूर के यार। तुमको पता है, सीरियसली बताऊँ तो व्लॉगिंग करने में ना बंदे को प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आसपास की ऑडियंस ऐसा अजीब सा रिएक्ट करती है भाई, पता नहीं क्या हो गया है। जैसे बंदा बम फोड़ने वाला है यहाँ पे कोई, है ना, आतंकवादी हमला करेगा कोई, पता नहीं ऐसे भाई लोग रिएक्ट करते हैं अजीब सा। तो भाई ये हमारा चौक आ गया है, ये सामने देखोगे तुम तो ये पीर बाबा की जगह है, यहाँ पे पीर बाबा जी की मूर्ति वूर्ति आए, मुझे बुरा मत मानना भाई, मुझे नहीं इतने नॉलेज तो, बट हाँ यहाँ पे मंदिर है। अब वो पीर बाबा वाला मंदिर कैसा होता है मुझे नहीं पता है, बिकॉज मैं कभी मंदिर गया नहीं, और मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा गॉड पे बिलीव नहीं करता हूँ गाइस। सो या अभी फ़िलहाल ये रास्ता, अंकल जी रुक जाओ, ऐसे मत आओ यार, हाथ देते देते सीधा बीच में घुस जाओगे क्या? तो भाई अभी हमको जाना है सीधा इसी रास्ते पे काफ़ी आगे, और तो भैया जी हाँ, वैसे यार मुझे तुमको एक सही बात बताऊँ गाइस, आज हम एक काम करते हैं, हम आज इस ब्लॉग को ना कतई लंबा खींचेंगे, देखते हैं भाई कौन बंदा देखता है इस ब्लॉग को, बिकॉज ये बिल्कुल रॉ रहेगा। मेरा फुल ट्रैवल जितना मैंने आज पैदल ट्रैवल किया है, मैं सारा कैप्चर करते हैं, ठीक है? तो भैया ये शॉप्स आ गई हैं मेन, हमारा हमारे यहाँ पे बाज़ार है, तो ये मेन शॉप्स आ चुकी हैं,
और इस टाइम मेरा कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज धूप बिल्कुल सीधा सीधा सामने कैमरे पे पड़ रही है ना, तो स्ट्रगलिंग हेयर हेयर। अभी भाई हमको जाना है सामने, ठीक है। यहाँ पे गाइज हमारे एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर हलवाई जी हैं, बहुत बढ़िया एकदम बनाते हैं भाई, और आई थिंक आज संडे, आज वो भी बंद है। एंड ये भैया यहाँ पे रास्ता, ये एक्चुअली मेन बाज़ार कह सकते हो आप, यहाँ पे जो भी मेन हमारा होता है ना, मतलब पहले हमारा जितना भी सिटी के अंदर ज़्यादा मेन मेन शॉप्स थी ना, वो इस एरिया के अंदर थी। अभी तो भैया हमारी सिटी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो काफ़ी जगह आप लोग को पता है यहाँ पे भाई, मतलब आप लोग को तो नहीं पता है मगर हाँ काफ़ी ज़्यादा अब काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं। जैसे KFC नहीं था पहले, अब तो KFC वगैरह काफ़ी कुछ आ गया है पठानकोट में, बट हाँ ठीक है। और ये कुछ नया खुला भाई, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है रे, आई डोंट नो, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा रे, मैंने पहले कभी नहीं देखा ये क्या है। मैं भी वैसे काफ़ी दिनों बाद आया हूँ यहाँ पे। यार देखो यार, लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है ना, ऑफिस स्ट्रीम टाइम नहीं मिलता। और ये हमारे लेफ्ट में आप देख रहे हो, ये भैया यहाँ पे बीकानेरी की शॉप, जानते होगे भाई बीकानेर तो हर जगह ही होता है ना, और बड़े बढ़िया 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 बनाते हैं भाई यहाँ पे। मैं पहले पहले आता था, क्या बोलते हैं उसको, भटूरे खाने, भटूरे छोले एकदम बढ़िया वाले। और यहाँ पे हमारा आता वुडलैंड होटल है, बड़ा मस्त वाला यार, यहाँ से भी हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, पर बता नहीं सकता हूँ तुमको क्योंकि पर्सनल काइंड ऑफ यादें हैं, तो वो चीज़ें शेयर करना गलत बात है। अभी देखो भाई, बहुत से बंदे मेरे कहेंगे, एटलीस्ट एक दो से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जो लोग कहेंगे भैया बताओ क्या यादें हैं आपकी यहाँ से भैया, मगर नहीं, ज़िंदगी की हर चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती हैं ना, सब बता देंगे तो भाई ज़िंदगी तो भैया फिर खुला है ना हो जाएगा। देखो खुल ज़िंदगी मैं मानता हूँ एक खुली किताब ज़रूर है, मगर उस किताब के भी कुछ पन्ने फाड़ दिए जाना चाहिए ना, क्योंकि कुछ पन्ने ज़िंदगी के ऐसे होते हैं भाई, क्या ही बताऊँ तुमको, नहीं बताने चाहिए बस। तो भैया अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में भैया शादी वादी हो रही थी, तो लड़कियाँ वड़कियाँ घूम रही थी यहाँ पे। एंड चलो भाई, अभी ऑलमोस्ट गाइस हमको आएगा 10 मिनट और लगेंगे सीधा जाने में, तो मुझे नहीं लगता भाई मेरे को 10 मिनट तक और ब्लॉक करना चाहिए, तो हम लोग अभी पहुँचते हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सांस फूल गई भाई, इतने देर बातें कर करके गला सूख गया मेरा, तो चलो भाई पहुँचते हैं पहले, ठीक है। और मेरे प्यारे पतंग प्रेमियों, जिनको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है भाई, ये देखो क्या है, तो ये तुम्हारे सामने यहाँ पे भैया मांझा लग रहा है, मांझा बताना क्या होता है, डोर जिसे तुम पतंग उड़ाते हो उसको मांझा बोलते हैं, तो यहाँ ये लोग मांझा लगाते हैं, मतलब यहाँ पे पहले धागा लगाते हैं, धागे के ऊपर जो भी लगता है तुम्हारा तीखा करने के लिए धागा, यहाँ लगा के उसको सुखाते हैं। फिर यहाँ पे वैसे हर टाइम लोहड़ी जब आती है, लोहड़ी तुम लोग को शायद पता होगा, पतंग उड़ाते हैं लोहड़ी का फेस्टिवल होता है, तो हर टाइम लोहड़ी के फेस्टिवल पे यहाँ पे पतंग की डोर बनाई जाती है ना। और ये भैया जो लेफ्ट में तुमको दिख रहा है ना, ये हमारा बिजली दफ्तर है, यहाँ से भैया पूरे पठानकोट को बिजली आती है, और जब भी हमारा बिल आता है बिजली का, तो बेसिकली भरने ही आना होता है। अब तो वैसे कोई बिजली का बिल आजकल भरने जाता नहीं है शॉप पे, क्योंकि भैया आजकल ऑनलाइन ही हो जाता है सारा काम ना भैया, टेक्नोलॉजी OP सब ईजी हो गया आज के टाइम पे, तो अब कोई शॉप पे नहीं जाता है, बट पहले यहाँ आना पड़ता था बिल भरने के लिए। एंड मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ यार, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ भाई, मगर आज की जर्नी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है मुझे लग रहा है ऐसा, है ना गाइज। चलो भैया चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूं, वो सामने दिख रही तुमको वो शॉप है वहां पे, बट एक चीज़ दिखाऊं तुमको, ये देखो पैरों में भाई मॉम ने मेरे शूज़ धो दिए, और मैं चप्पल पहन के आया हूं, और मेरे पैर में मुझे लग रहा है छाले पड़ जाएंगे, बिकॉज मैं इतना नॉर्मली चलता नहीं हूं, एंड लास्ट टाइम भी जब इतना चला था चप्पल पहन के तो छाले पड़ गए थे। वो ऊपर देखो काइट्स उड़ रही है, तुमको दिख रही है क्या, आई डोंट नो दिख रही है कि नहीं, बट हाँ ऊपर काइट्स उड़ रही हैं, और वो सामने मेरे भैया जी हैं, जो कि मैं अभी व्लॉग नहीं करूँगा, उनको उनको पसंद नहीं आएगा, बट हाँ हम यहाँ पे आ गए हैं, अभी चलते हैं, बस इनको पूछते हैं स्कूटी मिलेगी और हम जा रहे हैं गाइस, ठीक है। ये भैया जी देखो काम कर रहे हैं। तो यार दोस्तों ज़िंदगी के मतलब कतई गंदे वाले लगे हैं यार, पहुँच गए फाइनली, ये देखो पीछे ये मेरे भाई का घर है, ठीक है, और ये रहा हमारा आज का साधन, इस पर जाएंगे हम, मगर अभी किस्मत देखो इतनी ख़तरनाक, स्कूटी स्टार्ट करवाई, स्कूटी में पेट्रोल ही नहीं है, अभी भैया गए पेट्रोल लेने के लिए, इसके अंदर हम पेट्रोल डालेंगे अभी और फिर जाएंगे यार, बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं भाई, आधा घंटा किक मार मार के मेरे पैरों की बसों की कसम से बता रहा हूँ, बुरा हाल हो गया। अभी गए पेट्रोल लेने, चलो इसमें डालेंगे पेट्रोल फिर जाएंगे। मम्मी को फ़ोन ऑलरेडी कर दिया, मम्मी घर से निकल गई होगी, अभी मम्मी को भी रास्ते में से उठाना है भाई यार, आज का ना दिन मतलब कतई एडवेंचर हो गया, ये तो एडवेंचर ही है वैसे, सही होता हूँ तो एडवेंचर ही है आज का, क्या बोल रहे हो भाई, कैसा लग रहा है एडवेंचर आप लोगों को है, मैं तो बहुत ज़्यादा भाई परेशान हो गया। फिरांड हम पहुंच गए देखो सामने, वो रहा हमारा इंदिरा कॉलोनी, मैं पहुंचा अभी अपने पास, देखो भैया स्कूटी भी आ गई है एंड पेट्रोल भी भैया लेके आ गए थे, तो पेट्रोल हमने डाल लिया स्कूटी में, अभी मैंने मम्मा को कर दिया है कॉल, अभी मम्मी जस्ट आती होगी, वेट कर रहा हूँ मम्मी का, अभी मम्मी को बिठाएंगे और
जाएंगे। और ट्रैफिक यार आज बहुत ज़्यादा था मार्केट में ना, संडे भाई संडे, अभी टाइम हो गया लोगों का निकलने का, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। चलो अभी फाइनली अभी मम्मी का वेट करना होगा मुझे, यहाँ से अभी निकलना है यार, बहुत दूर जाना है हमको, टाइम लगेगा उसमें भी बहुत ज़्यादा, तो वेट करेंगे। फ्रेंड्स वो देखो सामने पिंक सूट के अंदर एक आंटी जी आ रही है ना, वो तो वो है भैया आपकी आंटी जी, और हमारी मम्मी जी ऑलरेडी आ गई है। मम्मी अभी हम लोग निकलेंगे बस यहाँ से, भैया बिठाएंगे मम्मी को और जाएंगे भाई। अभी फ्यूल डलवाना है स्कूटी में बाय द वे, तो पेट्रोल डलवाने का है, फिर अपने को जाने का है बहुत दूर। मम्मी आ गई है, रोड क्रॉस हो गया है, चलो लेट्स गो। फ्रूट लिए जा रहे हैं भाई, देखो सो फ्रेंड्स आज एक्चुअली मेरे कज़न ब्रदर की ना छोटी लड़की का बर्थडे है, तो ये सत्संग चल रही है यहाँ पे। सत्संग अगर तो आप पंजाबी लोगों तो आपको पता होगा सत्संग क्या होती है, तो यहाँ पे समथिंग लाइक जस्ट बनाते हैं कुछ, तो वो चल रहा है भैया यहाँ पे अभी। एंड ये देखो थोड़ा खेत वेत दिखाता हूँ, तुम में से मोस्ट लोगों ने शायद से खेत भी नहीं देखे होंगे ना, क्योंकि पंजाब के बाहर शायद से ही कहीं कहीं खेत दिखते हैं, मल्टी नेशनल सिटीज़ में तो भाई दिखते ही नहीं है, दिल्ली मुंबई वालों को तो भाई खेत कहाँ दिखते होंगे ना। तो ये देखो ये है सामने पूरे, ये पूरे ये पूरे पूरे गन्ने के खेत हैं, यहाँ पे गन्ने उगते हैं भाई, पूरे गन्ने 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 गन्ने। और वो सामने जो लगा ना उसको बोलते हैं टोका, उसके अंदर हम गाय का चारा ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ऐसे 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 ऐसे, और गाय का चारा निकालते हैं। अभी आज फ़िलहाल हम आज का खाना वाना यहीं खाएंगे ना मैं और सो गाइस, आज का खाना वाना यहीं होगा यार, आज यहीं वहीं खाएंगे मैं और मामा, एंड जाएंगे फिर उसके बाद घर में। एंड शाम को यार स्ट्रीम भी करनी है, जस्ट मेरा था आज का चलो थोड़ा प्लान था कि मम्मा ने बोला था जाना है, तो मैंने सोचा चलो यार आज सुबह फ्री तो है ही है, एक व्लॉग बनाते हैं। अभी आज का जो मेरा मेन व्लॉग था भाई वो यही था, आज मैंने कितना संघर्ष किया है ज़िंदगी के अंदर। तो भाई कैसा लगा आपका व्लॉग आपको बताना ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर कर रहा हूँ ख़त्म, क्योंकि अभी पब्लिक बहुत ज़्यादा, और तुमको पता है थोड़े से ना हमारे मतलब सिटीज़ के बंदे नहीं है ना, लोग इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते ब्लॉगिंग करने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आई एम फाइन, बट लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना, तो इट्स ओके। एंड बाय द वे एक और चीज़ दिखाऊं तुमको, ये देखो ये है भैंस, और भैंस बोल रही है बाय बाय टेक केयर एंड लव यू बाय बाय।